हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए सभी बच्चे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एग्ज़ाम आने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ चुकी हैं और जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ और आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप अच्छे से कर लीजिए। तो जिन बच्चों ने सोशल साइंस 10th क्लास सोशल साइंस MP बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अभी जो आपको सेट पेपर दिए जा रहे हैं, जो या मैं जो इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ, वो सभी आप अगर कर लोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। कितने परसेंट आएंगे बच्चों, एक भी कमेंट मत करना, कोई फ़ायदा नहीं कमेंट करने से, इसलिए मैं सबका रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। जो मुझे लगता है कमेंट प्रॉपर है, पूछने लायक है, उसी का मैं कमेंट का आंसर देता हूँ। दूसरी बात ये भी है कि कितने परसेंटेज आता है, मेरे सेट पेपर से या किसी के सेट पेपर से एग्ज़ाम पेपर नहीं बन रहा है, तो मैं कह दूं कि मेरे सेट से पेपर से 4% आएगा, 50% आएगा, 60% आएगा, कितना भी आ सकता है। कहो पूरा ही आ जाए, कभी कम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, हो सकता है आ जाए, लेकिन कम से कम 60% तो आएगा। मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, 75 में से 60% आ सकता है, यानी कि करीबन 45 नंबर का 40 नंबर का, ठीक है, आया समझ में। तो ये सेट पेपर है, ये इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है आपके सामने, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, और जो मैं आपको देने जा रहा हूँ सेट, वो आपको उसको अच्छे से लगाना है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो सब आपको लगाने हैं, और ये अच्छे से इनको देख लेना है, ठीक है। ये सेट ए है, सेक्शन वाइज दिया गया है, इसमें जो दिए गए हैं क्वेश्चंस और उनके आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। किसके हिसाब से? मार्किंग के हिसाब से। अगर 2 नंबर का आता है तो 2 नंबर के हिसाब से मार्क दिया गया है, 5 नंबर का आता है तो 5 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर है 3 नंबर के हिसाब से, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन इसके अलावा आ जाता है तो आपको इस जैसा ही सिमिलर लिख देना है, ठीक है। एक वीडियो में और बनाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आपको करने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये सब दिए गए हैं आपके सामने, जो जिस का आएगा उसी हिसाब से दिया गया है, ठीक है। मैप कौन सा करना है ये भी आपको देना है। जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैप कौन कौन से करने हैं, मैप कैसे करना है, वो सब दिए गए हैं, कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट है वो इसमें दिए गए हैं, ठीक है। एक ये वाला कर लेना है। इसी प्रकार सेट दूसरा, ये दूसरा सेट है आपके सामने सेक्शन ए के हिसाब से, ये MCQ दिए गए हैं 6-6 नंबर के, और बाकी MCQ दिए हैं, फिलिंदम लिख दी, और नीचे सबके आंसर्स हैं विद सॉल्यूशन, सैंपल पेपर है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। जो मैं आपको देना जा रहा हूँ वो सब सैंपल पेपर में आंसर भी हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कवर कीजिए। अब बात आती है सर इनको हम कहाँ से प्रोवाइड करें, तो मैंने आपको बता दिया है बच्चों, 10th और 12th ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करके आप परचेज कर सकती हो। पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है, और 10th 12th का ऑल सब्जेक्ट के हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के MCQ क्वेश्चन आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ चैनल पर डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर प्लेलिस्ट जाकर देख सकती हो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर चैनल पर वहाँ पर जाकर देख सकती हो, सब प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, और उस प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का सब कुछ डला हुआ है। ऐसे ही सेट 3 है ये वाला, ये करना है आपको और आपको समझ में आ जाएगा। अब बात ये आती है कि ये प्लेलिस्ट ये कैसे डाउनलोड करना है आपको, तो सबसे पहले आपको 100 रुपीज़ परचेज करके आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप, मैं जो स्लाइड करता जा रहा हूँ इसको आप छोटा सा कर लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए ना, इनको आप देखते जाइए और इनको सॉल्व करते जाइए। आंसर दिए गए हैं, मैं इनके स्लाइड कर दिया है आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये परचेज करना है तो बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ।